Good morning everyone and welcome to the class. Now we are in RT3 paper 7. We are supposed to do preparation for paper 7, and in paper 7 you have two chapters, politics of plant development and India's foreign policy. And in this chapter, in these two chapters, we are going to discuss the previous year questions and some important questions. But in this regard, you must understand that there is a change in the syllabus according to this revised syllabus. And we have to make preparation according to this revised syllabus only. So, and there is there should not be any kind of confusion regarding this chapter. Because in this chapter, what we find that two new topics have been added. Actually, what we find ki if the whole chapter is about plant development, and plant development means jo after getting independence jo 5-year plans bante hain, us 5-year plans ke andar jo economic development hota hai, hum log usi ko discuss kiye hain is pure chapter mein, hai na? Uske first, second or mainly first or second 5-year plans hi hain. Unke andar kya controversies create hui, unke andar kya achievement humne gain kiya, hai na? तो एवरीथिंग इज अबाउट प्लानिंग. जो जो ये फर्स्ट 5-year प्लान और सेकेंड फाइव ईयर प्लान्स आर देयर, दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन. तो हमने पूरे प्लानिंग कमीशन को पढ़ा है ना, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया. देन हमने ये भी देखा कि इस जो हमारा ओरिजिनल चैप्टर है कि हमारे सामने किस तरह से दो मॉडल्स, वेस्टर्न और सोशलिस्ट मॉडल थे, और उनमें से हमने किस तरह से एक बीच का रास्ता अपना लिया, है ना. और उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट किया, क्योंकि नेहरू जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सोशलिस्ट इकोनॉमी से. जो वहाँ की प्लांट इकोनॉमी थी उससे वो बहुत ज़्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो प्लांट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था USSR में, पंडित नेहरू वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय दैट मॉडल. बट उन्होंने हमने सोशलिस्ट मॉडल को तो नहीं अपनाया, हमने बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें कि कुछ चीज़ों में हमने प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चीज़ें दे दी, कुछ मामलों में हमने गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा, है ना. और इसी के साथ प्लानिंग कमीशन आया. तो प्लानिंग कमीशन जो कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, है ना. तो ये प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था, ये पार्लियामेंट के इनैक्टमेंट से आया था. लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, ये प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म हो चुका है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये बने, और पहला जो स्पीच इन्होंने दिया था 15th August 2014 को, इंडिपेंडेंस डे पे जो इनका स्पीच था, उस स्पीच में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये प्लानिंग कमीशन को वो अबॉलिश करने जा रही है ये गवर्नमेंट, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो जाती है. और 1 January 2015 को नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आ गया, प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आ गया. नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके, बट यहां पर आपको ये समझना है कि एज प्लानिंग कमीशन इज नॉट एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट, सो इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. देयर इज नो मोर प्लानिंग कमीशन इन योर सिलेबस नाउ. यू आर सपोज टू स्टडी अबाउट नीति आयोग, ठीक है. तो नीति आयोग के बारे में आपके जो रेफरेंस मटेरियल है वो उसमें दिया हुआ है. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है नीति आयोग के बारे में. और इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक जुड़ा है आपका नीति आयोग के साथ साथ, और वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, NDC. तो ये NDC के बारे में कोई भी रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल नहीं है. जो हमारा रिवाइज सिलेबस है उसमें NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग कमीशन जो है ना और NDC दोनों साथ साथ ही काम करते थे,
तो ऐसे में इस बात का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरह से प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया है एंड इसे भी शायद आगे फ्यूचर में इसको भी एंड कर दिया जाएगा, बट इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी अबाउट एनडीसी। अब ये एनडीसी के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको यही पढ़ना है कि जो 5 ईयर प्लान्स थे उसको ही हम लोग एनडीसी के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि एनडीसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 ईयर प्लान्स ओनली, बोथ प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी। तो एनडीसी के बारे में जो पढ़ना है, क्योंकि ये इट इज गिवन इन योर सिलेबस एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस एनडीसी इज टू बी रेड इन कॉन्टेक्स्ट विथ द 5 ईयर प्लान्स। तो इस कारण से हमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस हमें नीति आयोग पढ़ लिया हो गया काम, इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान्स आर देयर स्टिल देयर इन योर सिलेबस, तो उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि एनडीसी जो है वो नहीं हम कर पाएंगे बिना 5 ईयर प्लान्स को पढ़े हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करना है। अब इसमें जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है उसमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज इसमें तो प्रीवियस ईयर के पेपर है नहीं नीति आयोग में, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है। तो इसमें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हम आ सकते हैं रेफरेंस मटेरियल को देखते हुए, जो क्वेश्चंस हमें प्रोबेबल लग रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान्स जो थे, जो कि एनडीसी के तरफ से बनाए गए, उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उसको, और कुछ नए क्वेश्चंस भी अगर निकलेंगे तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है नीति आयोग पे, और नीति आयोग के रिगार्डिंग जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज ये कब एग्जिस्टेंस में आया, कौन इसका वो चेयरमैन होता है ना, कौन और इसके मेंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चंस विच यू नीड टू मेमोराइज, है ना। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, फैक्ट्स तो याद करना है केवल, जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं वो आपको समझना पड़ता है ना। तो फैक्चुअल्स के लिए आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं बाई मेमोराइजिंग, बट कुछ फैक्चुअल्स जो इम्पोर्टेंट इसमें बनते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यही समझ लीजिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। क्या होगा, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है कि इट वॉज विच इंस्टीट्यूशन और विच कमीशन वॉज सेट अप इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो आपका आंसर होगा नीति आयोग, है ना। ये क्वेश्चन इसको हम रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि विच कमीशन दिस विच कमीशन कंस्टिट्यूटेड Which commission was constituted in place of planning commission? इसमें भी आपका आंसर नीति आयोग होगा, और नीति आयोग जब भी लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म लिखेंगे, इट्स नॉट कि बस एनआईटीआई लिखती है। इस तरह के क्वेश्चन में
उसका फुल फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन फिर से बनता है कि व्हेन डिड नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका आंसर वही हो जाएगा दैट 1 जनवरी 2015, है ना। 1 जनवरी 2015 को ये एक्सिस्टेंस में आया था। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नीति आयोग, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट अबाउट पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। इट्स नॉट, देखो इस तरह की जो भी जैसे प्लानिंग कमीशन ही था, तो दैट वाज ओनली अ बॉडी विच वाज देयर टू रिकमेंड द गवर्नमेंट, है ना। वो सिर्फ रिकमेंडेशन देने के लिए की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ही काम होता था। तो यहाँ पर नीति आयोग भी जो है उसका यही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज टू, योर आंसर शुड बी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टू प्रोवाइड, बट योर आंसर शुड स्टार्ट विथ द इन अ प्रॉपर मैनर, है ना। टू प्रोवाइड द नेसेसरी एंड टेक्निकल necessary and technical advice to the union government. Regarding this policy making at the central level and the state level. ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए ये इसको बनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। इट्स नॉट कि इसके लिए कुछ अलग से प्रोविजन होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बिकॉज ही इज द प्राइम और सी इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज वाई ही और सी बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन हो गए प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं? द वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाई द नीति आयोग। तो इसमें फिर से एक, दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन और MCQs आने हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। Who is the
chairperson. है ना, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग. तो इसमें फिर आपको भी हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. इसमें एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो सकता है कि अभी अभी कौन है वाइस चेयरमैन और फर्स्ट चेयरमैन कौन था? वाइस चेयरमैन है ना, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. प्रेजेंट राजीव कुमार है और फर्स्ट जो थे वो अरविंद पंगाड़िया थे. ठीक है, तो वो आपको याद करना होगा. दीज आर ऑल फैक्चुअल्स. ठीक है, हु इज द करेंट वाइस चेयरमैन, हु इज द हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. है ना, तो करंट और फर्स्ट ये एकदम याद होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद जो हम ये देखेंगे एक और क्वेश्चन बनता है. इसमें वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है कि बिकॉज इसमें आया है ये कि व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ नीति आयोग, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. बिकॉज ये आपका 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था डेवलपमेंट, उसमें ये चीज़ें आप पढ़े हुए हैं. तो इसमें हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन आ सकता है, जो कि हम लोग पहले ही इसको डिस्कस किए हुए हैं, बट उसको हम अभी पॉइंट्स में बताएंगे कि उसके अंदर आपको क्या लिखना है ना. तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज और यू कैन से एक्सप्लेन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट. है ना, तो इसमें हम लोग उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि कौन सा अप्रोच है जो कि नीति आयोग ने अडॉप्ट किया है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट इट शुड बी एक्सप्लेन, बिकॉज इसको दो नंबर में ये आ सकता है ये क्वेश्चन. अगर एक नंबर में आता है तब तो सिर्फ आपको नाम लिखना है बॉटम अप अप्रोच, बट अगर एक्सप्लेन करने आता है तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा. एक्सप्लेन द बॉटम अप अप्रोच. As adopted by Niti Aayog in order to bring development. तो ये बॉटम अप अप्रोच है और इसको अगर एक्सप्लेन करना है आपको तो व्हाट शुड बी योर आंसर. आंसर शुड बी कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है द डिसीजंस
regarding the development of the country is taken from the lower level. The local government should be involved in taking the decisions of development. The decision should not be taken by the national leadership alone. If they are going to take decision regarding the development of a particular project, so that decision should be taken by consulting with the local government, by consulting with the local people. So that जब हम local people के साथ consult करके कोई decision लेंगे development के regarding, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर उस development project से problems नहीं आएंगी. जैसे कि हम लोगों ने discuss किया था ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो start हुआ सरदार सरोवर dam के बनने के कारण क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, है ना. और ये डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका जो डिस्प्लेस होता है उनका इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, एवरीथिंग गॉट अफेक्टेड. तो दे दीज पीपल स्टार्टेड दिस आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो इससे क्या होता है कि एक तो वो पीपल दे आर सफरिंग जो डिस्प्लेस हुए, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिल पाता है. तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए. डेवलपमेंट का जो कुछ भी है डिसीजंस, अगर उसमें लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा तो क्या होगा कि द नेशनल लीडरशिप विल बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल, कि अगर इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वहाँ पे लाया जाता है तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम होगी, वो क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं, लोकल पीपल क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं, कैसे होना चाहिए, और तब साथ मिलकर के काम होगा. इसी को हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं. अब ऊपर से डिसीजन नहीं आएगा, नीचे से डिसीजन आएगा, है ना. नीचे जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो दे आर हु आर रियली गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दे शुड दे मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग. दिस इज बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, तो अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे. So, what is this bottom-up approach? The most important thing about the bottom-up approach is the involvement of local government as well as local people in the decision making process. ठीक है, involvement of local government as well as local people in the decision making process. And the second thing which we can give in this regard is this approach ensures cooperation from the local people. So this is your answer ki bottom up approach mein क्या आता है. हालांकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है रेफरेंस मटेरियल में, द टर्म इज ओनली यूज, बट यू मस्ट बी अवेयर कि अगर इस तरह का क्वेश्चन वन मार्क में भी आता है तो आपको क्या उसमें होना चाहिए, टू मार्क्स में भी ये दो पॉइंट्स आने चाहिए. इसको आप एलाबोरेट कर सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में दे सकते हैं कि वो दैट वॉज बॉटम अप का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच. एवरीथिंग इज डिसाइडेड एट द टॉप लेवल एंड इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल. तो क्या होता है कि ग्राउंड लेवल के बारे में जानकारी नहीं होती है बिकॉज लोकल पीपल, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व. तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं किस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ सरदार सरोवर डैम के बनने के जो प्रोजेक्ट था उसके अगेंस्ट में, बिकॉज ऑफ दैट टॉप डाउन अप्रोच. तो उसका क्या चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगी. तो एग्जाम्पल में आप आराम से नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर डैम को देंगे. ठीक है, अगर बड़े मार्क्स में, टू मार्क्स में या उससे ज़्यादा मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो हालांकि ये क्वेश्चन दो नंबर से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए. ठीक है,
अब इसके बाद इसमें एक और टर्म यूज हुआ है, अगर आप नीति आयोग का जो रेफरेंस मटेरियल को देख रहे हैं, एक और टर्म आया है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि ये भी आपने क्लास 11th में फेडरलिज्म के अंदर इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बट चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं तो इनका भी प्रिपरेशन हो जाना चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो टर्म यूज हुआ है, जो भी टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं वो टर्म्स आपको फेमिलियर होना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सकें। ठीक है, सो द क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज अडॉप्टेड बाई द नीति आयोग। The spirit or the concept, anything can be there. Explain the concept and the spirit. Concept and spirit of this cooperative federalism. As adopted by this Niti Aayog. तो इसमें आपको देखिए अगर कॉन्सेप्ट है तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। अगर स्पिरिट है तो आपको उसके बेनिफिट्स के साथ बताने हैं, तो मोर और लेस दोनों के लिए एक ही प्रिपरेशन इज अनफ, कॉन्सेप्ट एंड स्पिरिट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसका ये मतलब होता है कि द फेडरलिज्म शुड नॉट समथिंग इन विच द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस यूनिलैटरली, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो, दे शुड आल्सो बी इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग डेवलपमेंट। जैसे हमने बॉटम अप अप्रोच को देखा कि लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसी तरह से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्टेट लेवल को गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और यही है कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि सुपीरियॉरिटी नहीं होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट या फिर द गवर्नमेंट विच इज देयर एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल इज नॉट सपोज टू बिहेव इन अ मैनर समथिंग लाइक बॉस, है ना। बॉस नहीं है वो, सुपीरियर नहीं है वो, बल्कि कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर काम करने का जो स्पिरिट होना चाहिए दैट शुड बी देयर, एंड देन ओनली वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड देन वी कैन से दैट इक्वल पार्टिसिपेशन, है ना, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट of the country, जो regional imbalance, अगर development में एक problem ये भी आती है ना, regional imbalance create होता है, किसी region पे बहुत ज़्यादा focus कर दिया जाता है, किसी region पे नहीं focus किया जाता है,
दैट इज़ बिकॉज ऑफ बहुत सारी इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि हम लोग फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं कि जब दो लेवल पे गवर्नमेंट है और जब एक ही पार्टी की सरकार सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है तो उस स्टेट को फेवर किया जाता है, बट जब अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है स्टेट में तो उस पार्टी उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा स्टेप मदरली बिहेवियर होता है, तो उसके कारण भी वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, है ना. इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, रीजनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं होगा. तो हमारे नीति आयोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. अब एक क्वेश्चन लेफ्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन बचा है नीति आयोग के रिगार्डिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे.